तो भाई कोई भी बाहर का चीज अगर हम उसको घर पर ही बना लेते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। तो उसी के तरह ये जो आता है फेविकॉल, ये बाहर से आते हैं लेकिन आज हम इसको घर पर बनाएंगे। वैसे उसको फेविकॉल तो नहीं कह सकते लेकिन उसको आप व्हाइट ग्लू बोल सकते हैं। तो चलो आज हम बनाएंगे व्हाइट ग्लू या फिर फेविकॉल, जो भी कहो। तो चलो शुरू करते हैं। और इसके पहले अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, घंटी को दबा लेना और इस तरह से वीडियोस के लिए लाइक कर देना, एक लाइक जरूर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो आपको चाहिए आटा या फिर मैदा। मैं यहाँ पर मैदे की इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें 4 चम्मच मैदा डाल देना पड़ेगा। और हमें जरूरत पड़ेगी चीनी। तो हम चीनी डालेंगे 2 चम्मच। थोड़ा सा और भी मैं डाल देता हूँ, इतनी सी। और हमें चाहिए नमक 1 चम्मच। और अभी इन सब चीज को एक साथ मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। और अभी हम धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। फाइनली आपके फेविकॉल या फिर व्हाइट ग्लू बनकर रेडी हो गया। और हमें अभी एक कुछ इस तरह से डिब्बा लेंगे या फिर कंटेनर और इसको खोल देंगे और इसके अंदर भर देंगे फेविकॉल को। भाई अभी ये फेविकॉल अभी इसके अंदर है तो मज़ा आ गया। तो चलो मैं आपको इससे कुछ चिपका कर दिखाता हूँ। तो ये है 2 पेपर और मैं थोड़ा सा ग्लू इसके अंदर डाल देता हूँ। बहुत चिपचिपा है असल में ये तो। चलो अभी इसको चिपका देंगे। तो भाई आप देखो कि अच्छी तरह से चिपक रहा है। ये देखिए इसका जो चिपचिपा जो हिस्सा है, ये देखो चिपचिपा है ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल पर नए है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बगल में घंटी वाली बटन आएगा उसको भी दबा दो और ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर दो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।